भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इसको हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने पी ए और पी वी की लेंथ को निकाल लिया था। कितना आया था बोलो? अंडर रूट एस वन आया था। अब देखो हम लोग इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखो ध्यान दीजिए, देखो इसमें कुछ और अच्छी अच्छी बातों को हम लोग यहां पर समझते हैं। देखो जैसे अब एक बहुत बड़ा यहां पर मुद्दा है कि हम ए बी की लेंथ को निकालें, है ना? एक बड़ा देखो यहां पर मुद्दा है कि हम ए बी की लेंथ को निकालें। ए बी क्या है बोलो? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब हम ए बी, है ना, ए बी का मतलब, ए बी को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको अब हम निकालना चाहते हैं, एबी की लेंथ को हम निकालना चाहते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ को हम निकालना चाहते हैं। देखो समझो कैसे निकालेंगे। देखो ऐसा बेटा, इसको एम मान लें और ये जो एम है ना, ये एबी का मिड पॉइंट होगा और ये एंगल 90 होगा। ध्यान रखना, कैसे? तुम समझदार हो, है ना? तुम समझदार हो, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पर तो एंगल 90 का तो होगा ही होगा, है ना? और पीएम, देखो ये स्ट्रेट लाइन है यहां पर, तो एम क्या है? मिड पॉइंट, ये एंगल 90 है। अब देखो अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मान लें, है ना, तो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए एम में देखो, ट्रायंगल पी ए एम, देखो पी ए एम ट्रायंगल में देखो, देख लें। देखो ऐसा है, हमें पी ए मालूम है, है ना, और ये एंगल 90 का है, तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? साइन थीटा क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो यहां से हम ए एम को निकाल सकते हैं। ए एम क्या होगा? पी ए साइन थीटा, चूंकि पी ए हमको मालूम है। देखो ये है पी ए और पी बी अंडर रूट एस वन के बराबर। अच्छा साइन थीटा क्या मालूम है बताओ भाई? साइन थीटा क्या मालूम है? देखो निकालते हैं कैसे। देखो देखो ट्रायंगल पी ए सी को देखो, ट्रायंगल पी ए सी को देखो, ये एंगल 90 है, बोलो बोलो, ये एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इसमें साइन थीटा क्या हुआ बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पीसी। अरे बोलो भाई देखो एक काम करते हैं, जैसे पी ए जो हमने निकाला ना, पी ए अंडर रूट एस वन, है ना, इसको एक्चुअली हम एल भी कहते हैं इन जनरल। ये जो हमने पी ए और पी बी निकाला है ना, दोनों बराबर हैं, पी ए और पी बी अंडर रूट एस वन, इसको हम एल भी कहते हैं। ध्यान रखना इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल होता है। कैपिटल एल का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो एक काम करें, इस ट्रायंगल पी ए सी में इसको देखेंगे तो ये हमारा बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। टेन थीटा लगा दें, टेन थीटा क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि सी ए अपॉन पी ए। अच्छा सी ए क्या है? आर, आर का मतलब सर्कल का रेडियस। देखो ये अपना आर है ना, ये कैपिटल आर, सी ए और सी बी क्या है बोलो? कैपिटल आर मतलब सर्कल का रेडियस। तो टेन थीटा अगर बेटा लगाया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है सी ए और बेस क्या है? पी ए। देखो तो सी ए हो गया आर और पी ए क्या है? एल, आर बाई एल। अब देखो इससे हम एक ट्रायंगल बना करके साइन थीटा निकाल लेंगे,
या देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहां पर ट्रायंगल बनाएंगे तो आर बाई एन, तो ये क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और पी ए, पी ए कितना है एल, तो देखो ये हो गया एल इंटू साइन थीटा क्या हो गया आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए एम आ गया ना एम, तो ए बी क्या होगा ए एम का डबल होगा। अरे ए बी क्या होगा ए एम का डबल होगा भाई, बोलो बोलो। तो देखो यहां से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इसका डबल, मतलब 2l r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो सके तो इसको याद रखना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट माना जाता है ना, हो सके तो इसको याद रखना, हो सके तो नहीं याद रखना ही रखना है। ये सर्कल में कॉर्ड ऑफ पॉइंटेड की लेंथ है, लेकिन केवल सर्कल में, बाकियों में नहीं है, ये बाकियों में नहीं चलेगा इसका कॉन्सेप्ट, है ना, ये केवल सर्कल में है, ध्यान रखना, only for circle। ये chord of quadrant की length को निकालने का formula होता है केवल circle में। तुमको मैंने approve करा दिया, मजा आया कि नहीं, बहुत मजा आया बच्चों। क्या है formula, 2lr upon under root r square plus l square, यानी कि chord of quadrant की हम length को निकाल सकते हैं circle के केस में। बोलो बोलो मजा आया कि नहीं, बहुत मजा आया, कहो ना साफ साफ। तो अब देखो वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये अब देखो प्रूफ इसलिए जरूरी होता है कहीं, अब देखो इसे क्या होता है कई बार वो ये डायग्राम बना के ए भी नहीं पूछता, जैसे क्या पता वो पीएम की लेंथ पूछ ले, तो पीएम भी देखो इस ट्रायंगल से आ जाएगा, टेन थीटा बराबर ए एम अपॉन पीएम, और टेन थीटा तुम निकाल ही चुके हो देखो यहां से, है ना। तो इस ट्रायंगल से हमने तुमको इसलिए बताया, देखो दो चीजें हैं, एक तो इस ट्रायंगल को लिया और एक बड़े ट्रायंगल को लिया, दोनों से मिल करके सवाल सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान देना। छोटे ट्रायंगल से बहुत सी बातें निकलती हैं, बड़े से बहुत सी बातें निकलती हैं। बड़े से फायदा ये हुआ कि टेन थीटा निकल आया आर वाई एल, है ना, बड़े में और छोटे में दो बातें हैं। तो हमने इस ए बी की लेंथ को निकाल, देखो ध्यान दो, अब हम इस पी ए बी ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे, है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बोलो ट्रायंगल पीएबी के, देखो एबी मालूम है, पीएम और चाहिए होगा, पीएम और चाहिए होगा, पीएम कैसे निकलेगा बोलो, कॉस थीटा लगाएंगे, पीएम अपॉन पीए से, कॉस थीटा से पीएम आ जाएगा। बोलो बोलो, लिखो जल्दी लिखो, बताते हैं भी आपको, है ना, जल्दी लिखो फटाफट। चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है, हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुला। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होगा, हम लोग अब निकालेंगे ट्रायंगल PAB का एरिया, हम लोग अब निकालना चाहेंगे। देखो क्या होगा एरिया, क्या हो गया एरिया बेटा, हाफ बेस हो गया AB और हाइट कितना हो गया बोलो PM हो गया AB। तो अब देखो PM कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ट्रायंगल PAM में cos थीटा लगा दीजिए, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा देखो PAM में ना, तो PM कितना हुआ मेरे बच्चे सबसे अच्छे, cos थीटा, और PA कितना होता है L, इसको L कहते हैं, तो L cos थीटा। और हमने देखा था अभी कि tan थीटा क्या था बोलो R by L था, तो इससे cos थीटा भी आ जाएगा, कैसे आएगा, ट्रायंगल बना के आएगा।
देखो ये अपना बन गया ट्रेंगल, ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से अपना कॉस थीटा कितना आ गया भाई, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू कॉस थीटा की यहां रख दें तो एल इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो इस एरिया के फॉर्मूले में हाफ ए बी, ए बी बोले तो, ए बी बोले तो निकाला अभी हमने, क्या बोलो 2LR upon under root R square plus L square, और PM, PM देखो ये आ गया क्या बोलो L square upon under root R square plus L square, 2 से 2 cancel हो गया, तो क्या formula बना बोलो R L cube upon R square plus L square, ये भी standard formula है इस triangle के area का। कौन सा ट्रेंगल, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और टेंजेंट से बनता है, एक ऐसा ट्रेंगल जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और दोनों टेंजेंट से बनता है, इस ट्रेंगल का एरिया, ये भी सवाल आईआईटी ने पूछा है कई कई बार। तो बस हमें आर और एल की वैल्यू रखनी है। आर क्या मतलब सर्कल का रेडियस, एल मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, अंडर रूट एस1 वो निकाल लेंगे। बोलो बोलो, अरे भाई अगर सर्कल मालूम है तो उसका रेडियस मालूम होगा कि नहीं, और एक्सटर्नल पॉइंट तो दिया ही होगा, एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा, उससे हम अंडर रूट एस वन करके एल को फाइंड कर लेंगे कि नहीं बाबा। तो एल भी मालूम चल गया, आर भी मालूम चल गया, और अगर एल आर मालूम चल गया तो आपको ए बी की लेंथ भी आ जाएगी और ट्रायंगल का एरिया भी निकला, समझिए। हाँ बोलो भाई, अब देखो अब हम बहुत कुछ इसमें निकाल सकते हैं, जैसे हम चाहें तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे 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 ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं कैसे? अरे बहुत आसान है, कैसे देखो एबी मालूम है ना, सीएम और चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट, सीएम चाहिए, सीएम 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 दो कैसे आएगा, सीएम कैसे आएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा इस बड़े ट्रायंगल में, और ये 90 है तो ये फिर से थीटा हो जाएगा मेरे भाई। बोलो नहीं समझे, अरे ये थीटा यार, इस बड़े ट्रायंगल में देखो ना पहले भाई, बड़े ट्रायंगल में देखो महाराज, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं, और ये भी 90, तो ये कितना बचा थीटा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, तो थीटा आ गया, तो इससे सीएम आ जाएगा, कैसे साइन थीटा बराबर सीएम बाई सीए, और साइन थीटा इसी ट्रायंगल से निकाल लेंगे क्योंकि टेन थीटा मालूम है ना, इसीलिए बोलो बोलो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन सीए, सीए कितना है आर है आर, तो साइन थीटा बराबर सीएम बाई आर, तो सीएम आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मालूम है यहां से, तो हाफ बेस इनटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। लेकिन कहां तक फार्मूले याद करोगे बच्चों, देखो कर लेते हैं इसको भी, कर लेते हैं भाई कर लेते हैं, वरना तुम बुरा मानोगे कि देखो भाई सर ने सवाल नहीं कराया, सर कैसे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, सवाल कराते नहीं है कभी भी। अरे कर लेते हैं भाई, बाबा परेशान नहीं हो बाबा, कर लेते हैं इसको भी। देखो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए है, तो क्या होगा हाफ बेस हो गया ए बी, हाइट हो गया सी एम। अब देखो इस ट्रायंगल में किस में, ट्रायंगल ए सी एम में देख लो, साइन थीटा कितना होगा सी एम, और बाई सी ए, सी ए का मतलब आर हो गया, तो सी एम कितना हो गया आर साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा यहां से निकालेंगे तो कितना होगा बोलो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, है ना, साइन यहां से निकाल लेंगे, सारी की सारी वैल्यू रखो 2ab, ab का मतलब क्या था 2lr, ab की लेंथ क्या थी 2lr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cm बोले तो ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या हो गया, हो गया lr क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे इस ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी आ गया है। अब कहां तक फार्मूले याद करोगे यार, नहीं याद कर पाओगे, तो ये सब
अच्छा होगा डायग्राम बना के निकालना सीख लो एक बार, बोलो समझे। अब देखो जैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, अच्छा देखो ट्रायंगल पीएसी, ट्रायंगल पीएसी का एरिया निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है ट्रायंगल पीएसी का एरिया। बोलो बोलो बोलो, ट्रायंगल पीएसी का एरिया निकाल सकते हो कैसे? देखो ये बेस है, ये हाइट है, क्योंकि ये एंगल 90 है ना, तो हाफ पी ए और इंटू सी ए, तो पी ए कितना है एल और सी ए कितना है आर, तो हाफ एन आर है ना पी ए सी का एरिया। अब देखो पी ए सी बी पूरे क्वाड्रिलेटरल, पी ए सी बी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो गया, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जो पी ए सी का एरिया है वही तो पी बी सी का एरिया है, तो इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा एल इंटू आर हो जाएगा। तो ये हो गया पी ए सी बी पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सब कुछ ओपन है, खुला खजाना है बेटा, यहाँ पर सब कुछ तुम्हें क्लियर हो गया, कुछ भी निकाल सकते हो, समझ गए। अच्छा अब एक बार देखो और समझ लो, जैसे ये जो पी ए सी बी क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसा हो गया? साइक्लिक। तो अगर हम एक सर्कल बनाएंगे इन चारों से, तो ये सर्कल ऐसे जाएगा, और ये एंगल 90 है, तो एक्चुअली ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 होता है, यानी कि PC इसका डायमीटर हो गया, क्योंकि अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो चारों बट्टे से जाएगा। तो समझो अब ये जो है ये एंगल 90 है, एंगल 90 का मतलब ये सेमी सर्कल हो गया, तो जब सेमी सर्कल हो गया तो PC इसका डायमीटर हो गया, तो ये जो सर्कल है इसका आप सेंटर निकाल सकते हो। कैसे? C और P का मिड पॉइंट निकाल लो, बस। ये सवाल आया है कई बार। अब देखो ये जो सर्कल है ना बेटा, ये ट्रायंगल PAC का भी सरकम सर्कल है, और ट्रायंगल PBC का भी सरकम सर्कल है, और क्वाड्रिलेटरल PACB का भी सरकम सर्कल है, सबका ये सरकम सर्कल है। ये ए सी बी ट्रायंगल का भी सरकम सर्कल है, क्योंकि उसके वर्टिसेस से जा रहा है। बोलो। अरे भाई ए बी सी ट्रायंगल का भी ये सरकम सर्कल है, पी ए सी ट्रायंगल का भी ये सरकम सर्कल है, पी बी सी ट्रायंगल का भी ये सरकम सर्कल है, और क्वाड्रिलेटरल पी ए सी बी का भी ये सरकम सर्कल है, सबका सरकम सर्कल है। बोलो। क्योंकि पी ए सी के भी तीनों वर्टेक्स से जा रहा है, पी बी सी के भी तीनों वर्टेक्स से जा रहा है, ए बी सी के भी तीनों वर्टिसेस से जा रहा है, तो ये जो सरकम सर्कल है ना, ये बहुत चीजों का सरकम सर्कल है। तो इसका अगर हमसे सेंटर पूछा जाए, है ना, ये वाला जो सरकम सर्कल है ना, सरकम सर्कल किसका? क्वाड्रिलेटरल पी ए सी बी का। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? वो होगा, याद रखो, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी होगा, है ना। कई बार इसका सेंटर पूछ देते हैं कि वो सर्कम सर्कल है ना, ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल का पूछ देंगे आपसे सेंटर, या ट्रायंगल पीएसी के सर्कम सर्कल का आपसे सेंटर पूछ देंगे। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। तो सी मालूम होगा क्योंकि सर्कल का सेंटर होगा, और पी दिया गया होगा, तो दोनों का मिड पॉइंट नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे। बोलो बोलो। सी मालूम होगा, पी मालूम होगा, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लोगे, सवाल खल्लास हो गया, है ना, समझ गए। तो इस डायग्राम में हमने बहुत सारी बातों को सीखा मेरे बच्चे, सबसे अच्छे मेरे चच्चे। फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ आता है, ध्यान देना, सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और तुमने जितने अच्छे सीख लिया है ना, अब तुम कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। इतना अच्छा कोई सिखाएगा ही नहीं, ये बाबा हरिओम दुबे का कमाल है।
बड़ी देर भाई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिज बाला, हो बड़ी देर भाई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली बाला, हो बड़ी देर भाई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। देखो ध्यान दो बच्चों, एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। मान लो हमें सर्कल दिया गया, सर्कल का इक्वेशन ये दिया गया 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 दिया गया, बोलो बोलो। और मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है और इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, बोलो भाई। अब हमें PA और PB, ये जो दो टेंजेंट्स है ना, इनके चाहिए क्या, बोलो, इक्वेशन चाहिए है, इक्वेशन। देखो बेटा PA PB की लेंथ अलग चीज थी और इसका इक्वेशन अलग चीज है, इक्वेशन इक्वेशन है, लेंथ लेंथ है, ये क्या बात हुई। इक्वेशन मतलब उस बंदे का नाम, लेंथ मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई। देखो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख दें एक्स इंटू एक्स वन और वाई स्क्वायर को लिख दें वाई इंटू वाई वन, वही तरीका। बोलो सर्कल मालूम है, पॉइंट मालूम है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दें एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, टू एक्स को एक्स प्लस एक्स में बताया था ना मैंने, बोलो बताया था कि नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना इस बार, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर थोड़ी है, वो मेथड यहां नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, टू एक्स को एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई को वाई प्लस वाई वन लिखने वाला मेथड यहां नहीं 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 हरगिज नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो तब लगता था, कब लगता था, बोलो बोलो कब लगता था, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर होता था। इस बार पॉइंट सर्कल के बाहर है, अब कैसे करेंगे। देखो मैं तुम्हें एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये बहुत जगह हमसे पूछा जाएगा, ध्यान देना। PA और PB का इक्वेशन हमसे बहुत जगह पूछा जाएगा और हर कोनिक सेक्शन में पूछा जाएगा, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट हम लोग सर्कल, अच्छा देखो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ, वो ट्रायंगल का एरिया, वो सब सर्कल के लिए हैं, ध्यान देना, बाकी कोनिक में नहीं लगेंगे, है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के इक्वेशन, ये पूछे जाएंगे हर एक कोनिक में आपसे, उनके भी तरीके हैं बताऊंगा। अभी पहले हम लोग सर्कल के लिए समझ लें, तो जैसे सर्कल में करते हैं वैसे वहां पर भी करते हैं, अगर तुमने इसको यहां समझ लिया तो वहां भी फटाफट कर दोगे, ये अच्छी बात है कोनिक सेक्शन की, ठीक है। देखो समझो ध्यान से क्या होगा, समझो समझो ध्यान से बेटा, देखो हाँ देखो क्या करेंगे, ये पॉइंट मालूम है तो पॉइंट तो गिवन होगा, अब हमें इनके स्लोप नहीं मालूम है तो स्लोप m मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ PA, मतलब PA लाइन जो है ना इसका स्लोप मैंने m मान लिया, PA लाइन का स्लोप हमने m मान लिया, पहले PA को निकालते हैं, पहले PA को निकालते हैं फिर PB को देखेंगे बाद में, रुक जाओ अभी देखते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ PA क्या हो गया, बोलो y-y1 बराबर mx-x1, बोलो, क्योंकि ये पॉइंट आपको मालूम होगा, है ना, और सर्कल भी आपको मालूम होगा, सर्कल भी देगा पॉइंट भी देगा, दोनों बातें देगा। अब यहां पर क्या हुआ कि हमें x1 y1 तो मालूम है, m नहीं मालूम, तो हमने इस PA का इक्वेशन मान लिया ये है। अब देखो ध्यान दो, चूंकि PA सर्कल का टेंजेंट है तो इसके सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो जाएगा, सोचो सेंटर भी आपको मालूम होगा रेडियस भी मालूम होगा, तो इस m को निकालने के लिए ध्यान रखना,
टू फाइंड एम हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, समझो। तो जब हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रेडियस के बराबर कर देंगे तो उससे हमें एम के, ध्यान रखना, दो आंसर मिलेंगे अपने आप ही, है ना, हमें एम के अपने आप ही उससे दो आंसर मिलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर में मॉड होता है और जब वो मॉड हटेगा तो राइट में प्लस माइनस पहुंचेगा तो दो आंसर मिलेंगे। तो वो एक एम होगा पी ए का और दूसरा एम होगा पी बी का। तो एक पंथ दो काज, ठीक है, किल टू वर्ड्स विद द स्टोन। अरे याद है सर को, अंग्रेजी के, अंग्रेजों के जमाने के टीचर हैं यार, ठीक है, समझ गए। तो उससे एम की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, उसमें से एक स्लोप पी ए का होगा, एक स्लोप पी बी का होगा, तो दोनों की इक्वेशन एक साथ मिल जाएंगी क्योंकि पॉइंट तो दोनों में यही रहेगा ना, बस आपको दोनों के स्लोप ही तो नहीं मालूम थे और वो यहां से मालूम चल जाएंगे। तो जब हमें एम की दो वैल्यू मिल जाएंगी तो दो स्लोप आ जाएंगे, एक स्लोप पी ए का होगा, एक पी बी का होगा, और पॉइंट आपको मालूम ही है, पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम चल गया तो दोनों की इक्वेशन मालूम चल जाएंगी। ये मैंने आपको प्रोसेस सिखाया, प्रोसेस कैसे करेंगे, अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको बच्चे जरूर देखेंगे, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से जरूर देखेंगे, ध्यान देना, फटाफट नोट कर लो इसको। तो इससे क्या होता है, हम पी और पी वी की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं दोनों की इक्वेशन को हम यहां से यू निकाल लेते हैं, यू करो करो फटाफट जल्दी करो फास्ट। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो ध्यान दो, मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया, क्या बोलो, एक सर्कल दिया गया है हमको ऐसे करके, ठीक है, एक सर्कल दे दिया गया और एक पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए 10.8, ठीक है, और हमसे कहा गया कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, दोनों की इक्वेशन बताइए, ठीक है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम पी टू सर्कल। इस पॉइंट पी से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दोनों की इक्वेशन बताइए। देखो ध्यान देना, अगर हम पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए, चेक करें, करें चेक करें, कैसे करोगे, अंडर रूट एस वन, तो कैसे निकालोगे एस वन, बोलो 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 कैसे निकालोगे एस वन भाई, इस सर्कल में ये रख दे, देखो कैसे, समझो, ये जो इक्वेशन है ना, ये है हमारा एस, ये इक्वेशन है, जरूरी नहीं इसको ओपन करें, ये हमारा एस है, जरूरी नहीं इसको ओपन करें। अब एस वन चाहिए बच्चों, तो एक्स की जगह 10 रखो, ठीक है, और y की जगह 8 रखो, है ना, तो ये क्या होता है, s1 होता है, देखो ये पॉजिटिव आएगा, s1 पॉजिटिव है, s1 का मतलब x की जगह x1 रखो, y की जगह y1 रखो। तुम कहोगे सर सर्कल उस फॉर्म में नहीं, अरे आ जाएगा ना उस फॉर्म में, क्या फर्क पड़ता, इसको स्क्वायर को ओपन कर दो, सर्कल उस फॉर्म में आ जाएगा, जरूरत क्या उस फॉर्म में लाने की, है ना, x की जगह x1 रखो, y की जगह y1 रखो, तो s1 तो नाच नाच के आएगा, है ना, बोलो आगे एस वन पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉइंट, देखो वैसे भी दिख रहा है, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा, ये पॉइंट अगर सर्कल के अंदर चला गया तो आप दो टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, देखो ध्यान दो ये सर्कल है, और पॉइंट अगर यहाँ चला गया तो आप सर्कल पर टेंजेंट थोड़ी बना पाएंगे,
और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो गया तो एक ही टेंजेंट बनेगा। उसका तरीका वही होता है क्या जो आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखो एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को लिखो वाई इंटू वाई वन, बोलो बोलो, है ना। तो ये पॉइंट एक्चुअली बाहर है। देखो कैसे बाहर है, सर्कल का सेंटर कितना है, 1 2 है, तो 1 2 इस सर्कल का सेंटर है। रेडियस कितनी, देखो आर स्क्वायर 4 है, तो आर कितना है 2, तो 1 2, तो कुछ इस प्रकार देखो ये ऐसे करके सर्कल है ये। और ये पॉइंट देखो 10 कॉमा 8 बहुत दूर है, यहां कहीं पॉइंट है, तो क्लियर देखो ये सर्कल के बाहर है। अब हमने यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो हमें इन दोनों की इक्वेशन चाहिए, पी ए और पी बी की इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, समझो P पॉइंट क्या है, 10.8 है, तो इसके स्लोप को M मान लिया जाए, इसके स्लोप को M मान लिया जाए, और PA का इक्वेशन क्या होगा बोलो, Y माइनस वाई वन बराबर स्लोप X माइनस एक्स वन, है ना। PA का इक्वेशन पॉइंट मालूम है और स्लोप मैंने मान लिया M, तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एम एक्स माइनस वाई माइनस 10m प्लस 8 बराबर 0, एम एक्स माइनस वाई माइनस 10m प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिलेगा, सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दो। इस सर्कल का रेडियस कितना है बोलो, 2 है, और सेंटर, सेंटर तो दिख रहा है बोलो कितना, 1.2, सेंटर कितना हो गया 1.2 वाला सर्कल, है ना, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो सेंटर कितना हो गया 1.2 हो गया, अल्फा बीटा मतलब। देखो अब 1.2 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो x की जगह 1, y की जगह 2, माइनस 10m प्लस 8 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशियंट स्क्वायर, y का कोफिशियंट कितना, माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, मॉड आएगा ध्यान रखना, इक्वल टू रेडियस जो कि है 2, ठीक है। तो सेंटर से इस लाइन पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, याद है ना परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालने का फार्मूला मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में, x की जगह पर x1 रखते हैं, y की जगह पर y1 रखते हैं, अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, समझे, और मॉड इक्वल टू कर दिया रेडियस के बराबर। अब देखो यहां से हमें m मिलेगा, बस समझे, देखो यहां से हम लोग m निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं जल्दी जल्दी, और आप सवाल कर देंगे बल्दी बल्दी, ठीक है, जल्दी बल्दी सवाल कर देंगे आप लोग, हीरो बच्चे हैं सब। देखो ये क्या हुआ, माइनस का 9m और प्लस का 6 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 का मॉड बराबर 2, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया। देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, चूंकि रूट हटाना है और स्क्वायर करने से मॉड हट जाता है, जैसे मॉड एक्स का स्क्वायर कर दोगे ना तो वो सिंपल एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो ध्यान देना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स का होल स्क्वायर, तीनों बातें आपस में बराबर होती हैं बच्चों, स्क्वायर पे मॉड का असर नहीं रहता, तो स्क्वायर कर देंगे, देखो ऊपर क्या बचेगा, माइनस 9m प्लस 6 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मजा आता ना लिखने में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख लो लिख लो लिख लो, खूब लिख लो, बड़ा बड़ा लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो स्क्वायरिंग किया तो 81m स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का कितना हुआ बोलो भाई, 108 ना, 108m, ठीक है ना, बोलो बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4, देखो इधर ले आएंगे तो कुल मिला के देखो यहां से m में क्वालिटी आ गई और हमें m के दो आंसर मिल जाएंगे,
थोड़े टफ आ रहे हैं क्योंकि मैंने एट रैंडम सवाल ले लिया था, क्योंकि बड़ी हैवी कैलकुलेशन चली जाएगी, एग्जाम में इजी होगा, परेशान मत हो। तो एम के दो आंसर मिल जाएंगे, वो दो आंसर बारी बारी से इसी में रखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन निकाली थी ना हमने, ये वाली वाई माइनस एट बराबर एम और एक्स माइनस टेन, तो एम की दो जो वैल्यू आएगी, मान लो एक आएगी एम वन एक आएगी एम टू, तो इसमें एम वन रखेंगे और एम टू रखेंगे, तो इससे हमें अपने दो अलग अलग टेंजेंट मिल जाएंगे, है ना, एक में एम वन आएगा एक में एम टू आएगा, दो अलग अलग हमको टेंजेंट मिल जाएंगे, वही दोनों अपने पी ए और पी बी के आंसर होंगे। तो ध्यान रखना बेटा, सर्कल में अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकालने हैं, ठीक है, तो हम इस मेथड को हमेशा फॉलो करेंगे, ध्यान देना। दूसरे कोनिक में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, बताएंगे आपको आगे चल के, जब दूसरे कोनिक हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे दूसरे कोनिक में भी करीब करीब यही काम करना होता है। अच्छा, अब देखो एक बात और समझो इम्पॉर्टेंट, जरा सा बच्चे ध्यान से देखो क्या होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, जल्दी लिखो फटाफट। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो मेरे पास ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए और इन दोनों के इक्वेशन निकालना हमने भी सीखा। एक बात और ध्यान दो, जैसे ये पी ए और पी बी, ये जो दो लाइंस है ना, इनका हम कंबाइंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, एक साथ इक्वेशन। तुमको मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन, मतलब दोनों लाइनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मान लो अपने पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे करके दो लाइंस हैं और इन दो लाइंस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है इनका कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया इनका कंबाइंड इक्वेशन। अच्छा, अब जैसे इनको हम और अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मिक्स होकर टर्म हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह आ जाएगा, वो भी कंबाइंड इक्वेशन है। फिर कंबाइंड इक्वेशन से लाइन को अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी हमने सीखा था, कंबाइंड इक्वेशन से हम लाइन को अलग अलग भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था। नहीं सीखा तो स्ट्रेट लाइन पढ़ो, ठीक है, उसमें आएगा ये, समझो। देखो ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ये कैसे निकलता है, इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, और ये फार्मूला सभी के लिए है, फॉर ऑल कॉनिक्स है, ध्यान देना। किसी भी कॉनिक में हम इसको बेधड़क लगाएं, बेझिझक लगाएं, दिल खोल कर लगाएं, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, इससे क्या होता है, इससे इन दोनों के एक साथ इक्वेशन मिलते हैं, मतलब कंबाइंड फॉर्म में। अब उस कंबाइंड इक्वेशन से हम अलग अलग कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैंने सिखाया था आपको स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ध्यान देना। तो खैर इसको भी समझ लो कि एस एस वन बराबर टी स्क्वायर से हमें दोनों टेंजेंट के कंबाइंड इक्वेशन एक साथ मिलते हैं। अब देखो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब वो कोनिक, कोनिक मतलब जैसे कि मान लो सर्कल है, मान लो मैंने सर्कल ये ले लिया, है ना, तो देखो ये सर्कल ले लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मान लो तो ये हमारा हो गया एस, सर्कल की इक्वेशन को एस कहते हैं, सर्कल क्या मतलब कोई भी कोनिक हो ना उसे एस कहते हैं, एस का मतलब वो इक्वेशन। अच्छा एस वन क्या होगा, मैंने बताया था एक्स की जगह एक्स वन रख दो, वाई की जगह वाई वन रख दो, वो क्या हो जाता है, एस वन हो जाता है, कोई भी कोनिक हो जाए। अच्छा टी क्या होगा, टी मतलब टेंजेंट का इक्वेशन, कैसे, एक्स स्क्वायर को लिखो एक्स एक्स वन, ये पॉइंट क्या है बोलो, एक्स वन वाई वन है, और वाई स्क्वायर को लिखो वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर, ये होता है टी। तो एस का मतलब वो कोनिक खुद, एस वन का मतलब उसमें एक्स वाई की जगह एक्स वन वाई वन रख दो, और टी का मतलब होता है टेंजेंट का इक्वेशन। ये तीनों चीजें निकाल के जब हम इसमें रखेंगे
तो हमें पी ए और पी बी का कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, और उससे अलग अलग करके दोनों की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये प्रोसेस तब काम आता है जब हमसे पी ए और पी बी का कंबाइंड इक्वेशन ही पूछ ले वो। जैसे कई बार ऐसा होता है, कहता है पी ए और पी बी का कंबाइंड इक्वेशन निकालिए, तो पिछले वाले मेथड में क्या था, अलग अलग इक्वेशन मिल रहा था, अब अलग अलग मिल रहा था तो उनको मल्टीप्लाई करके कंबाइंड करना पड़ेगा। बोलो, पिछले वाले मेथड में अलग अलग इक्वेशन मिल रहा था, उनको मल्टीप्लाई करके कंबाइंड करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, हमें सीधे कंबाइंड मिलेगा। तो कंबाइंड मिलेगा, चाहे तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, और फायदा यह है ये मेथड सब कोनिक में लग जाएगा। SS1 बराबर टी स्क्वायर, मैं इसका एग्जांपल करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, मैं दिखाऊंगा, अपन दिखाएगा एग्जांपल, कोई टेंशन नहीं, अपन दिखाएगा ना बाबा एग्जांपल, टेंशन नहीं लेना, लिखो लिखो जल्दी लिखो इसको, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके एग्जांपल कराऊंगा, और भी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें सर्कल की बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, लिखो जल्दी से।